विचार 12 मंत्रों के साथ करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा दाएं, हल्का सा आधा दाएं मुड़ेंगे ताकि सूर्य नमस्कार की स्थितियों में आप जो है एक दूसरे के पास आपके हाथ पैर मिल जाए। अच्छा है, आधा दाएं मुड़ेंगे, आधा दाएं गुड। अग्रभाग और तर्जनी के अग्र
भी प्राणायाम जब भी आप शुरू करेंगे, आपकी आप पहले आपको सीखना है, जैसे सभी बच्चे जानते हैं। आज हम थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दो शब्द से मिलकर के बना है, प्राण धन आयाम, अर्थात वायु का आदान प्रदान शरीर के अंदर। किस प्रकार से हम हवा को जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाए, अंदर जाए, और अंदर से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकले। ठीक है, तो हमारे शरीर के जो इंटरनल्स तंत्र हैं, अंदर के जो हमारे तंत्र हैं, हमारा आवास है, लिवर है, उनके व्यायाम किस प्रकार से होते हैं और ये प्राणायाम हमारे क्या क्या लाभ होंगे, विस्तारपूर्वक आपको आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको गहरी सांस लेनी है और सांस धीरे धीरे, ठीक है, गहरी सांस, सांस को लेना श्वास कहलाता है, और वायु को बाहर निकालना, हवा को, वायु को अंदर रहना श्वास और वायु को बाहर निकालना प्रश्वास। और एक स्थिति आती है कुंभक की। कुंभक का मतलब है ना तो आपको सांस लेनी है और ना बाहर छोड़नी है। ये दो प्रकार का हो सकता है। आपने गहरी सांस अंदर ली, अपनी वायु को वहीं पर रोक लिया, वो होता है हमारा अंतःकुंभक। हमने वायु को बाहर छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए हम रुक गए, वो होता है हमारा बाह्य कुंभक। सबसे पहले हम जो है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में आंखें आपकी बंद, गहरी सांस आपको ऊपर की ओर खींचनी है, अंदर जितनी ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसी स्थिति में आपको बाहर छोड़नी है। तो शुरू करेंगे, गहरी सांस लीजिए, प्रश्वास लीजिए, श्वास सांस लीजिए, प्रश्वास लीजिए, इस क्रिया को करते रहें, बार बार दोहराते रहें आप। से सांस लीजिए, अब बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से नासिका से सांस बाहर निकाल दीजिए, फिर दाएं से ही सांस लीजिए, बाएं से छोड़ दीजिए, फिर बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से सांस लीजिए, फिर बाएं से छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से इसी क्रम में आप सांस लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। इस प्राणायाम को हम पांच करते रहिए, आप सुनते रहेंगे। इस प्राणायाम को हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। जो अभी तो आप बच्चे हैं, लेकिन जो जिनको उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, ये प्राणायाम हम दो प्रकार से करते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको जो है बाएं नासिका से सांस लेनी है और दाएं से छोड़ते रहना है, इसी क्रम में। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है
उनको दाई नासिका से श्वास लेनी है और बाएं से प्रश्वास करना है, ठीक है। तो सामान्य स्थिति में जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके लिए अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया आप कर रहे हैं उसी को आप करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। आज के बाद चार प्राणायाम लेंगे, चार प्राणायाम हम कर लेंगे। इसके बाद लेते हैं भ्रामरी। भ्रामरी बच्चों के लिए विशेष लाभकारी। भ्रामरी हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। जो बच्चे स्मरण शक्ति जिनकी कमजोर है वो प्रातः काल होकर के कम से कम 10-15 मिनट तक अगर भ्रामरी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। भ्रामरी में आपको जो है स्थिति देखेंगे आप, ये जो तर्जनी उंगली है इसको आप यहाँ अपने ललाट पर लगाएंगे। मुझे देखें आप पहले, स्थिति पूर्ण स्थिति सही हो। ये जो हमारी मध्यमा उंगली है इसके आंखों का कोर यहाँ पर इसको लगा करके इसको बंद करेंगे, क्योंकि हमारी आंखों के कोर से जो है उस मांसपेशियां और जो नलिकाएं हैं वो अंदर हमारे मुख तक जाती है, अंदर तक जाती, उसको बंद करना है, ठीक। और ये जो अनामिका उंगली है इसको आपको अपने नाक पर लगाना है, नथुनों पर, इसको आधा बंद करना है, ठीक है। अब स्थित और ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ से आपको अपने कर्णपटल बंद करने हैं, ठीक है। तो पहले कान अगर आपने पहले बंद कर दिए तो आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए पहले जरा मुझे देखें आप सब, ये ठीक है, ऐसे कर्णपटल आपने बंद किए, ये उंगली यहाँ लगाई, तर्जनी मध्यमा उंगली से आप आंखों की कोर दबाएं और इस उंगली को यहाँ ले आए, हल्की नासिका बंद करें। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तब आपको गहरी सांस अंदर की ओर खींचनी है। चलिए शुरू करेंगे, सभी बच्चे अपनी स्थिति में आए। हाँ, गहरी सांस लीजिए, भरिए और बाहर जब सांस छोड़ेंगे तो आपके मुख से आवाज भी आनी चाहिए, जिस प्रकार से भौंरा गुनगुनाता है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी भ्रामरी पड़ा है। गहरी सांस छोड़िए बाहर, फिर गहरी सांस लीजिए, पूरा वजन इस पैर पर ले आएंगे पीछे, ठीक। इसी प्रकार से फिर इस हाथ का सहारा नीचे रखते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं। दाएं पैर आप पीछे ले गए, हमारी जो एड़ियां हैं इनकी गद्दी बना लीजिए, ठीक है, और इस पर आप बैठिएगा। दोनों हाथ हमारे यहां इस प्रकार से सामने, रीढ़ हमारी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, और इस प्रकार से आप सामान्य अवस्था में आप 5-10 मिनट तक इसको खाना खाने के तुरंत बाद करें। किसी भी प्रकार का पेट का रोग, जिनको एसिडिटी होती है, गैस बनती है, उनके लिए ये बहुत लाभप्रद है, ठीक है। पैर को आगे ले जाइए, फिर ठीक है, फिर वापस, ठीक है ना, क्योंकि आपने प्राणायाम में बैठे तो आपके घुटनों में थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, तो यहीं पर अपने दोनों हाथों से इस घुटने को थोड़ा सा पकड़िएगा, ठीक है, मूवमेंट करिए, शाबाश, करते रहिए इसको, बस। अब जरा अपने हाथों को सामने लाइए, खूब घर्षण करिए, ऊपर लाइए
और घर्षण करते हुए अपनी आंखों के पास जब हम ठीक है आंखें बंद रखिए अपनी घर्षण करते हुए आप इसको अपनी आंखों के पास ले आइए आंखों के तब आंखों को खोलिएगा यहाँ पर अब हम अपने अपने इष्ट देवी देवता जो भी हम जिसको मानते हैं हम प्रार्थना करेंगे हे प्रभु हमारे आज की दिनचर्या जो भी हम गतिविधियां करें वो सफल हो ऐसे हम आपसे कामना करते हैं ये बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे कुछ बच्चों का जो आज समाचार ज्ञान वगैरह है वो कौन कौन